हेलो आवाज आ रही है बेटा यस yes, बताओ प्लीज आवाज आ रही है यस यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो <coughs> हम चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन में एग्जामेशन ये टॉपिक पे थे यस yes, हम एग्जामेशन ये टॉपिक पे थे चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन में तो चलिए एग्जामेशन इस टॉपिक को खत्म करते हैं आर यू रेडी यस और नो चलो डन डन आ डन डन आ जाइए एग्जिमिशन तो एग्जिमशन में बेटा हमने क्या देखा था पहले हेल्थ केयर हेल्थ केयर सेक्टर यस हमारी स्टोरी लाइन क्या थी हमारी स्टोरी लाइन थी पुष्पा की तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सेक्टर इसमें इस बार थोड़ा इस पर ध्यान देना कि रूम रेंट अगर पाँच हज़ार से ज़्यादा होगा अदर देन आईसीयू सी यू सी यू एक्सेट्रा तो वो केस में उसके ऊपर टोटल रूम रेंट पे जीएसटी आएगा तो ये हमने देखा हेल्थ केयर सेक्टर ओके उसके बाद में यहाँ पे चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर वो पूजा पाठ में लग गया ठीक है उसके बाद बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर आई होप आपने रीड किया होगा ओके कि बहुत बड़ी लैंड थी एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बाद में यहाँ पे उसने लॉयर को बुलाया क्योंकि खेती का बंटवारा करना था तो खेती का बंटवारा करना था तो उसके लिए लॉयर को बुलाया गया तो लीगल सेक्टर हमने देखा लीगल सेक्टर में सारी एंट्रीज हमने देखी नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जहां तक देखा जाए तो मेनली बेटा यही है यही था कि स्टेज कैरेज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ओके आ, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या बेनिफिट है कहाँ एग्जम्पन है रेलवे में वाटर में और एयर में एयर में खास बात बस इस बार ये है कि आ, जो ये स्पेसिफाइड एरिया में टिकट का जाना और आना एग्जामेशन था अब वो एग्जम्शन ओनली इकोनॉमिक क्लास को रहा है पहले सारे क्लास को था अब वो इकोनॉमिक क्लास को ही एग्जाम्शन दिया है उन्होंने बाकी पूरा एयर टैक्सेबल है नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ओके ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होगा तो जी टी ए कुरियर टैक्सीबल है बाकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एग्जम्ट है रेलवे पूरा टैक्सेबल है इन वाटरवे वाटर है

ये लिस्ट याद करके जाना डॉक्टर मोना ओके ये गुड्स अगर जीटीए के थ्रू कभी जीटीए का क्वेश्चन आ जाए या कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन फ्लोर पल्सेस राइस बाय जीटीए रेल वेसल एग्जाम ऑर्गेनिक मैन्युअर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैन्यूअर एग्जाम न्यूज़पेपर और मैगजीन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एग्जाम रिलीफ मटेरियल और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट तो ये सारे एग्जाम रहेगे उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे जहां तक देखा जाए तो अगर जी सर्विस देगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ओनली रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस एंड टी ठीक है अब एक बात रखना कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए लिया होगा ओनली टीडीएस काटने के लिए होगा अंडर सेक्शन 51 तो उसको अगर जी ने सर्विस दिया इवन दो गवर्नमेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन उसको अगर सर्विस दिया तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन रहेगा इस बार ये एग्जाम्पन थोड़ा अच्छे से पढ़ कर, पढ़ के जाना कि अगर आपने यहाँ पे सर्विस बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर ओके आप हायरिंग पे दे रहे हो क्या तो आप हायरिंग पे दे रहे हो मोटर व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ओके स्टेट ट्रांसपोर्टरटेकिंग और ऐसा मोटर व्हीकल जिसमें सिटिंग कैपेसिटी ट्वेल्व से ज्यादा है तो मतलब मोस्टली वो बसेस अगर वो स्टेट ट्रांसपोर्टरटेकिंग को दिया जा रहा है तो एग्जाम लोकल ऑथोरिटी को जैसे यहाँ पे म्युनसिपल कॉरपोरेशन को अगर ईवी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल ईवी बसेज दी जा रही है जिसमें सिटिंग कैपेसिटी ट्वेल्व से ज्यादा है तो एक्सम अगर आपने व्हीकल गुड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आपने अपना ट्रक वगैरह जी टी ए को दिया रेंट पे तो वह एग्जाम और अगर ओके हायर टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बायर प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ अप टू हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन ओके तो ये जो है अगर आप अपना मोटर व्हीकल ऐसे बंदे को रेंट पे देते हो सुनो ये लास्ट वाला पॉइंट नोट से थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना मैंने नोट्स में प्रॉपर उसकी डायग्राम निकाली है आप अगर मोटर व्हीकल ऐसे बंदे को रेंट पे देते हो जो आगे स्कूल को रेंट पे दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ तो वो केस में एग्जामेशन मिलेगा ठीक है सो अब नेक्स्ट बेटा यहां पे देखेंगे रेंटिंग ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी आ जाइए रेंटिंग ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जिमशन फॉर यूर एग्जाम है देखिए रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस एक्सेप्टियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देखो पहले क्या था ध्यान सुनना अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी आपका रहने लायक बनाया हुआ घर मतलब आपका फ्लैट हाउस बंगलो और आपने रेसिडेंस यूज के लिए दिया पुराना एग्जामेशन ऐसा था कि आपने रेसिडेंस यूज के लिए दिया तो वो टोटली totally एग्जम था फिर वो रेसिडेंस यूज रजिस्टर्ड को दो या अनरजिस्टर्ड को दो जिसका एग्जाम्पल कि मैंने अपना घर रेंट पे दिया किसी को भी दिया हो एग्जम इवन मैंने कंपनी को दिया हो एज अ गेस्ट हाउस सुनो इवन दो मैंने कंपनी को दिया हो एज अ गेस्ट हाउस वो भी एग्जम था ओके okay, वो भी एग्जाम था एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ओके अब उन्होंने क्या ऐड कर दिया कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल होगा और ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा अगर आपने सुना अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो अब वो टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज में. फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर हाउस विला ओके रेंट पे दे रहे हो किसको रेंट पे दे रहे हो तो आप दे रहे हो रेंट पे कंपनी को रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी होटल वालों को रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी समझ लो आपने अपना घर जो है एयरबीएन बी को दे दिया ऑन रेंट ओके okay, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जीएसटी इन सिंपल वर्ड ओके ध्यान से सुनना अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस और अब ये रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्सेबल और रिवर चार्ज में जीएसटी आएगा और अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जाम तो बेटा मैं ये कहूंगा कि इस एंट्री का बहुत अच्छा एनालिसिस मैंने किया और ये एनालिसिस मैंने अमेंडमेंट में किया हुआ है ओके okay, कि रेसिडेंट को दिया उसके बाद में और रजिस्टर्ड को दिया रेसिडेंस पर्पज अनर रजिस्टर्ड को दिया तो इसका एक एनालिसिस मैंने किया हुआ है तो आपने अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखना जिसमें आरसीएम चैप्टर जो है आरसीएम चैप्टर में यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है मैंने आपको कहा है कि चार्ट रिविजन के साथ साथ आपको ओके okay, यहाँ पे अमेंडमेंट देखनी है और आर चैप्टर जरूर देख के जाना इस पर इस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है ओके okay, तो यहाँ पे ये एक एग्जामिशन है उसके बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये एग्जाम्शन लेते हैं अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या है मैं बता देता हूं अगर यहां पे कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है फॉर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस इंडिया में किसी ने भी किसी को ध्यान से सुनना इंडिया में किसी ने भी किसी को डिपॉजिट दिए लोन दिए एडवांसेस दिए और उसका इंटरेस्ट मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है जरूरी बैंक कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर आप भी अगर अनसिक्योर्ड लोन देते हो ओके okay, या डिपॉजिट देते हो एडवांसेस देते हो और उसका कंसिडरेशन आपको किस में मिल रहा है इंटरेस्ट में मिल रहा है डिस्काउंटिंग में मिल रहा है तो वो एक्जाम रहेगा डिस्काउंटिंग मतलब बिल ऑफ एक्शन डिस्काउंटिंग चेक डिस्काउंटिंग ओके तो आपको अगर उसका कंसिडरेशन डिस्काउंटिंग फॉर्म में मिल रहा है तो वो सिचुएशन में एग्जाम रहेगा पर इंपॉर्टेंट बात क्या है इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज अगर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज है और क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगाया गया तो वो केस में एग्जम्शन नहीं रहेगा बी केयरफुल क्रेडिट कार्ड सर्विस में यानी क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पे एग्जम्शन नहीं रहेगा उसके बाद में इंटर सेल परचेस और आ, सेल और परचेस ऑफ फ़ॉरेन करेंसी ख्याल रहे अगर आप फ़ॉरेन करेंसी सेल परचेस कर रहे हो मतलब फ़ॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दे रहे हो ओके जैसे डॉलर टू आ, यूरो डॉलर टू यूरोक्सेट्रा अगर ये जो है अमाउंट बैंक होगा मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो रही होगी अमाउंक्स डीलर होगा एक डीलर दूसरे को कन्वर्ट करके दे रहा है ऑथोराइज डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी या बैंक के डीलर्स ये डीलर मतलब कौन से डीलर हो गए ये डीलर मतलब वो डीलर जिनको ऑथोरिटी दी है फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने की जि, जिसे हम मनी चेंजर कहते हैं ये बहुत सारे डीलर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे जो फॉरन करेंसी कन्वर्ट करके दे रहे हैं तो एग्जम्पन कहाँ पे एग्जम्पन ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी एक मिनट यहां इंटरेस्ट वर्ड गलती से आया सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी ये चाहिए सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक बैंक डीलर डीलर एंड तो वो केस में एक्सम्पन रहेगा पर ख्याल रहे अमोंग्स बैंक अमोग्स डीलर मतलब बैंक टू बैंक डीलर टू डीलर बैंक टू डीलर अगर ये ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ हुआ सुनिएगा ये ट्रांजेक्शन अगर कस्टमर के साथ हुआ तो वो टैक्सेबल रहेगा प्लीज ध्यान से सुनो वो अगर ये ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ रहा तो वो टैक्सेबल रहेगा नाउ उसके बाद में ऑल अदर सर्विसेज ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी आर टैक्सेबल अगर बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन आता है आई रिपीट अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन आता है तो बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है बैंक की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है ओके okay, बस इंटरेस्ट बैंक का जो इंटरेस्ट है लोन का डिपॉजिट का एडवांस का अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल है और सेल और परचेस ऑफ फ़ॉरेन करेंसी बैंक टू बैंक होगा तो एग्जम्ट है बैंक टू कस्टमर होगा तो टैक्सेबल है तो बैंक टू डीलर होगा तो एग्जमट है अमाउंट बैंक एंड डीलर तो एग्जाम अदरवाइज टैक्सेबल रहेगा बाकी ओके दो एग्जम्पन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वैप होता है तो अगर अमाउंट दो हजार रुपये का होगा तो वो दो हजार का जो कमीशन बैंक चार्ज करती है ओके okay, अगर कोई ट्रांजेक्शन स्वैप का दो हजार रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ तो रिसीवी बैंक रिसीविंग बैंक यानी जिसकी स्वैपिंग मशीन होगी ओके okay, वो आपका कमीशन लेता है तो उस कमीशन पे जीएसटी नहीं होगा अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे दो हजार रुपये तक होगा ओके okay, तो ये कुछ एग्जम्पन बैंकिंग सेक्टर के थे तो यहाँ पे हमने ओके okay, खत्म किया ट्रांसपोर्ट uh, सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर अब आ जाते हैं नेक्स्ट एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से इसको अच्छे से पढ़ के जाना और थोड़ा ये एग्जामेशन को अच्छे से समझ लो सर्विसेज बाय बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रही है ओके okay, तो एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे स्कूल पब्लिक हो प्राइवेट हो या इंटरनेशनल स्कूल हो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा दूसरा दूसरा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑप्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज बाय लॉ ध्यान सुनना ओके अगर कोई भी कॉलेजेस है यूनिवर्सिटीज है इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज दे रही है उस क्वालिफिकेशन में जो अप्रूव बाय लॉ है जैसे बीकॉम हुआ एमकॉम हुआ इट इज अप्रूव बाय लॉ ओके okay, ऐसी बहुत सारी डिग्री डिग्री और डिप्लोमाज है और वो अप्रूव्ड बाय लॉ है तो ऐसे केस में इंडिया के सारे कॉलेजेस जो यहाँ पे रिकग्नाइज है ओके जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटीज जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है तो ये जो सर्विसेज देंगे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज लाइक एनसीवीटी एससीवीटी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या एनसीवीटी के कोर्सेस हो गए ओके या स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेस हो गए मोस्टली आईटीआई टी आई कोर्सेस हो गए तो वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी या नेक्स्ट सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ओके द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट ओके जो हमारे एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड होते हैं स्टेट बोर्ड हो रहे तो उनकी सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी अगर यह चार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी चलो कवान कौन कौन सी चार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सारे इंडिया के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव है फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फॉर ऑपटेनिंग क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय लॉ और रिकग्नाइज बाय लॉ मतलब वहां लिख इंडियन लॉ फॉरिन लॉ से रिकोग्नाइज नहीं चाहिए इंडियन लॉ से रिकोग्नाइज होना चाहिए अप्रूव वोकेशनल कोर्सेस प्रोवाइडेड बाय एनसीवी और एस ओके एनसीबीटी और एस जो है बुक में अगर आप देखोगे तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इनके आई के कोर्सेस या फिर हमारे स्टेट एजुकेशन बोर्ड या आ, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने ओनली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा तो एग्जामेशन क्या है ओके सर्विस सप्लाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये चार टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए और अगर ये सर्विस दे रहा है okay, कोई भी सर्विस अगर या स्कूल ने दी कॉलेजेस ने दी या अप्रूव वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने दी या सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ने दी रिगार्डिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और ये जो है कोई भी सर्विस स्टूडेंट को दिया कोई भी सर्विस दिया फैकल्टी को दिया या स्टाफ को दिया तो एग्जाम है जैसे एजुकेशन फीस फीस लैब चार्जेस ओके उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट कैटरिंग एक्सेट्रा कोई भी सर्विस एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ तो एग्जाम पर ख्याल रहे सर्विस एग्जमट है गुड्स नहीं अगर कोई स्कूल या कॉलेजेस वाले गुड्स बेचते हैं अपने स्टूडेंट को जैसे बुक्स हो गए स्टेशनरी होगा आजकल तो स्टेशनरी का बिजनेस चालू है तो स्टेशनरी दिया जा रहा है तो वो एग्जम्शन में नहीं है हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस दे रही है और स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दे रही है तो उसको एग्जामेशन मिलेगा यहां तक समझा क्या बेटा समझा तो फटाफट वन टाइप करो चलो फटाफट यहां पे वन टाइप करो ठीक है कोई यहां पे नेक्स्ट जो देखो सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस हाँ अब देखो पहले लाइन में क्या कहा कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू तो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ वो एग्जाम रहेगा ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने कह दिया ठीक है अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट नहीं है आपका सुनिए बहुत सी बार वो जो है आपका स्टूडेंट नहीं है ओके अभी तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन चालू है और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन चालू है जिसकी एंट्रेंस फीस लिया गया अभी तक आपका स्टूडेंट नहीं बना पर उसने आपके कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दी है तो जो अ, अब सवाल ये है कि उसको हमने एंट्रेंस फीस चार्ज किया तो क्या वो एंट्रेंस फीस ऐसे बंदे को चार्ज किया जो अभी तक स्टूडेंट नहीं है बस स्टूडेंट बनने वाला है आई रिपीट बस स्टूडेंट बनने वाला है तो क्या वो सिचुएशन में यहां पे ओके okay, सुनिए वो सिचुएशन में यहां पे जो एंट्रेंस फीस उसको लगाई वो भी एग्जाम रहेगा तो यस yes, वो भी एग्जाम रहेगा बस ये दो एक्टिविटी एग्जाम है इसके अलावा बाकी कोई भी चार्जेस स्कूल कॉलेजेस या सेंट्रल स्टेट बोर्ड लेती है और कोई भी कोई भी सर्विस देती है तो वो टैक्सेबल है जैसे एनी सर्विस अप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देन इट इज टैक्सेबल लाइक ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल गिवन ऑन रेंट फॉर सेमिनार प्लेसमेंट सर्विसेज ओके फ्रेंचाइजी सर्विसेस जो सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दी गई वही एग्जाम स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ के अलावा बाकी किसी को भी सर्विसेज दिया तो वो टैक्सेबल होगा ये तो हमने देखा सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप समझ रहे हो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देगी ओके okay, बाय तो वो एग्जाम कुछ सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो एग्जाम सुनिए ध्यान से ओके जस्ट मिनट बेटा जस्ट अट कुछ सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो सर एग्जाम है थोड़ा ये लर्न करना पड़ेगा ये वाला पार्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ किसका ट्रांसपोर्टेशन जिसमें स्टूडेंट हो फैकल्टी और स्टाफ हो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर की बसेस है, और वो यहां पे स्कूल को दे रहा होगा तो एग्जाम अगर इंडिविजुअल पेरेंट को सर्विस दे रहा होगा तो टैक्सेबल सुनना मेरी बात प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अगर इंडिविजुअल पेरेंट को सर्विस दे रहा होगा तो टैक्सेबल अगर ये ट्रांसपोर्टर अपना बिलिंग स्कूल के नाम पे कर रहा होगा तो एग्जाम दूसरा कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम तो कोई भी कैटरिंग सर्विस अगर बिलिंग स्कूल के नाम का होगा तो एग्जाम अब स्कूल के अंदर कैंटीन होगी और सर्विस अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम सुनिएगा ये तीन सर्विस बताओ कौन कौन सी तीन सर्विस ट्रांसपोर्टेशन कैटरिंग सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग ये तीन सर्विसेस स्कूल को दिया बाकी नहीं एग्जाम ऑनली सर्विसेस अगर स्कूल को दिया तो ही एग्जाम सर अगर ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो टैक्सेबल या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया तो टैक्सेबल ये तीन सर्विसेज सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम कहा गया समझा क्या बेटा बोलो समझा क्या जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बोलो यस और नो समझा होगा तो यस लिखो यस सर समझ में आया नेक्स्ट नेक्स्ट है सप्लाई ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशनल जर्नल्स और पिरोडिकल ओके ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स करना एजुकेशनल जर्नल्स और पिरोडिकल ऑनलाइन जर्नल्स आते हैं पिरोडिकल्स आते हैं अगर ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो ही एग्जाम ये सर्विसेज कॉलेजेस को दिया तो एग्जाम बाकी नहीं तो देखो इसमें कैटेगराइजेशन है पहली तीन सर्विसेज स्कूल को दिया तो एग्जाम दूसरा ओके ऑनलाइन एजुकेशनल एजुकेशनल जर्नल्स ओके और पिरोडिकल्स ये सर्विस अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को दिया तो एग्जाम ओके और तीसरी सर्विसेज यहाँ पे सर्विस तीसरी सर्विसेज यहां ऐसा दो ओके सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एडमिशन लेने के लिए बहुत से प्राइवेट कंपनीज हेल्प करती है सर्विस देती है या एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो हेल्प करती है तो अगर सर्विस रिलेटिंग टू तो एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा तो ये सर्विस तीनों को सॉरी ओके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया चारों को दिया तो एग्जाम रहेगा ओके ये एग्जामेशन देखो कैसे पढ़ना अगर इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ये तीन सर्विसेज दिया और ये स्कूल को दिया तो ही एग्जाम ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स वगैरह ये सर्विसेज अगर कॉलेजेस को दिया तो ही एग्जाम और लास्ट वाली सर्विसेज कौन सी एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगर ये किसी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये 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 जनरल है किसी को भी यानी ये चारों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो एग्जाम तो इस तरह से आपने देखा बेटा ओके की सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है और नीचे मैंने दिया कि अगर आप यहां पे ओके okay, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होगा ओके okay, यहां पे ये तो मैंने गुड्स के बारे में कहा है पर आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूँ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होगा जो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट से और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हो रही है तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आएगा चलिए उसके बाद में यहां पर मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन लिए हैं ओके okay, जैसे मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय डी जी ऑफ शिपिंग विच आर ड्यूली रिकोगनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ मेरी टाइम शिपिंग एक्ट मतलब यहाँ पे मेरेटाइम ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं ओके okay, ये इंस्टीट्यूट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो शिप से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है ओके okay, और वो मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अंडर द एक्ट तो वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट मानी जाएगी और अगर वो अप्रूव इंस्टीट्यूट मानी जा रही है तो उसके जो ट्रेनिंग कोर्सेस है वो एग्जाम रहेगी ओके उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स अंगनवाड़ी एंड सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी शाल ऑल्सो कवर्ड अंडर द सेड दिशन हमने क्या देखा ओके okay, की कैटरिंग सर्विस अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम अब देखो प्री स्कूल में क्या आता है प्री स्कूल में आ, आ, आपके फर्स्ट के पहले ओके okay, यानी अपर के जी लोअर के जी वगैरह है तो वो प्री स्कूल, स्कूल में आता है जिसमें आंगनवाड़ी भी आता है अंगनवाड़ी जो है वो भी प्री स्कूल में आता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कैटरिंग सर्विस यहां पे अंगनवाड़ी को दिया गया तो वो अंगनवाड़ी को दिया वो भी एग्जाम रहेगा और कुछ और क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया है कि कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस तो ये एग्जाम रहेगा इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट वो भी एग्जाम रहेगा ओके okay, और एक्रेडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज तो वो टैक्सेबल रहेगा पर आपको मैंने बताया कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ओके कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया तो वो यहां पे एग्जाम रहेगा तो चलिए बेटा एजुकेशन सेक्टर के ये जो क्लैरिफिकेशन है ये क्लैरिफिकेशन मैंने यहां पे कवर किए हैं ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एंटरटेनमेंट सेक्टर यहां तक समझ में आया क्या आपको हाँ, एक सवाल आपका यह भी आ सकता है सर अगर बोर्डिंग स्कूल होगी तो अगर स्कूल हॉस्टल रन कर रहा है पहले service, आ, तो मैं बता दूं हॉस्टल सर्विस रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस तो एग्जाम अगर ये अनरजिस्टर्ड को दिया इसलिए स्कूल नहीं कोई भी कोई भी अगर हॉस्टल सर्विस दे रहा है तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस उसमें कवर हो जाता है ओके वो उसमें कवर हो जाता है अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अगर वो बच्चों को दिया अनरजिस्टर्ड को दिया तो इंडिया के सारे हॉस्टल वाले एग्जाम क्योंकि वो रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग में आता है ओके okay. लेकिन अगर कोई हॉस्टल हमने कोई यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को चलाने दिया कंपनी को चलाने दिया तो वो केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा आया क्या आपको समझ में बड़ा बोलो फटाफट समझ में आया होगा तो यहां पे लिखिए यस सर क्या बात है आज जितने भी स्टूडेंट आज एनर्जी नहीं लग रही है आपकी बोलिए जोर से यस सर अब देखिए बेटा एग्जन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट म्यूजियम चलिए ओके तो हमारी स्टोरी लाइन देखते हैं एक बार फिर से हमारी स्टोरी लाइन देखते हैं एक बार फिर से ओके पुष्पा की तबीयत खराब हुई पुष्पा की तबीयत खराब हुई दूसरा सेक्टर वो पूजा पाठ में लग गया उसके बाद में उसकी उसके पास क्या थी उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी ओके okay, उसने सोचा कि चलो बंटवारा करते बंटवारा करते हैं तो वो लॉयर को बुलाया गया अब इतने बड़े एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा होने वाला था तो उसके सारे रिलेटिव आ गए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर सारे रिलेटिव आ गए ओके कि भाई मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा उसके बाद में अब रिलेटिव ने अपने साथ बड़ी बड़ी पेटियां लाई माल मिलेगा भाई माल मिलेगा बड़ी बड़ी पेटियां लाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओके यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्टर तो उनको ओके okay, यहाँ पे घर ने घर गर पे रहने के लिए जगह करवाई रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इतने सारे रिलेटिव आए बड़ी बड़ी लाए ओके okay, कुछ हिस्सा मिलने वाला है कुछ तो माल मिलने वाला है तो उन, उनको घर पे रहने के लिए जगह दी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लेकिन यहाँ पे उनको रहने के लिए जगह दिया अब उसको थोड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे आ, हाँ रहने के लिए जगह दिया इसमें बीच में पहले एंटरटेनमेंट सेक्टर डालेंगे एंटरटेन मतलब इतने सारे रिलेटिव आए तो एंटरटेनमेंट हुआ जलवा हुआ ओके okay, कि भाई इतने सारे सब लोग सारे रिलेटिव नज़दीक आ गए तो एंटरटेनमेंट हुआ जगला यहाँ पे जलवा हुआ और तबीयत ठीक हो गई तबीयत ठीक हो गई तो यहाँ पे ओके okay, उसने या पुष्पा ने पैसा किसी को नहीं दिया बैंक में डाल दिया बैंकिंग सेक्टर ओके okay. और सबको एजुकेशन देना शुरू कर दिया कि तबियत का ख्याल रखा करो ये डाइट लिया करो वो ओके okay, यहाँ पे एक्सरसाइज किया करो तो सबको एजुकेशन देना चालू कर दिया इन शॉर्ट पैसा किसी को बांटा नहीं एजुकेशन देना चालू कर दिया तो इन शॉर्ट ओके अगर आप कुछ ऐसी स्टोरी बनाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा तो चलिए देखते अब हम एंटरटेनमेंट सेक्टर ये सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओके स्टार करना ये सेक्टर का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है देखिए सर्विस परफॉर्मेंस बाय फोक क्लासिकल फॉर्म आर्टिस्ट जो होगा सर्विस परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट कोई आर्टिस्ट है जो फोक या क्लासिकल फॉर्म में म्यूजिक डांस या थिएटर परफॉर्मेंस कर रहा है एक मिनट फिर से कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस दे रहा है इन फोक या क्लासिकल फॉर्म ये जो पुराने डांस मोड होते हैं या म्यूजिक होते हैं थिएटर होते हैं जैसे राजस्थानी म्यूजिक राजस्थानी डांस ओके okay, ओडिशा या फिर आप देखते हो हर हर स्टेट uh, का अपना एक फोक डांस या क्लासिकल डांस होता है म्यूजिक होते हैं थिएटर परफॉर्मेंस होते हैं अगर पर परफॉर्मेंस इनका कंसिडरेशन एक लाख पचास हजार या उससे नीचे अपटू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड होगा तो परफॉर्मेंस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा एक बार फिर से फोक या क्लासिकल होना चाहिए म्यूजिक डांस थिएटर परफॉर्मेंस होना चाहिए और पर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन अगर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड या लेस होगा तो यहां पे उनको क्या मिल जाएगा एग्जामेशन मिल जाएगा लेकिन इफ दे आर एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसिडर Okay, कोई फोक आर्टिस्ट है फेमस आर्टिस्ट है और कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसिडर है अब वो बहुत फेमस हो गया और कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेडर एक्ट कर रहा है तो फिर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा लेकिन कहीं परफॉर्मेंस दे रहा है तो डेढ़ लाख तक के बिल तक उस पर जीएसटी नहीं आएगा समझ लो कोई फोक आर्टिस्ट है और वो जो है यहां पे कोई परफॉर्मेंस दे रहा है जहां बिल दो लाख का हुआ अगर बिल दो लाख का हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल ऐसा मत करना टू लैख माइनस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके टू लाख फिफ्टी टू लैख माइनस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऐसा मत करना ठीक है तो ये था एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक एग्जामिशन दूसरा दूसरा यहाँ पे सर्विस ये ये फर्स्ट था यहाँ ये जो था ये फर्स्ट था नाउ सेकंड वन सर्विस बाय एडमिशन एडमिशन बाय एंटरटेनमेंट इवेंट मोन्यूमेंट और ज़ू एडमिशन इन ओके तो एडमिशन यानी टिकट चार्जेस ओके okay, तो सर्विस और एडमिशन इन एंटरटेनमेंट इवेंट या मॉन्यूमेंट या जू ये अलग अलग एंट्री है पर मैं कंबाइन करके ले रहा हूं आपके समझने के लिए अगर एंटरटेनमेंट इवेंट में कौन कौन सी इवेंट हो गए सर्कस डांस थेट्रिकल परफॉर्मेंस या कोई अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो उसकी टिकट कॉन्सर्ट पैजेंट्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस या नॉन रिकोगनाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स देखो यहां पे अवार्ड फंक्शन में जा रहे उसकी टिकट कॉन्सर्ट में जा रहे पेंशन में जा रहे म्यूजिकल परफॉर्मेंस नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे उसकी टिकट या प्लेनेटोरियम में जा रहे उसकी टिकट अगर इसकी टिकट होगी और वो टिकट अमाउंट पांच रुपए से कम होगी आई रिपीट ओके पांच रुपए या उससे कम होगी तो वो सिचुएशन में एग्जामेशन मिलेगा आई रिपीट ओके अपटू फाइव हंड्रेड मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 500 तो वो केस में एग्जाम्शन मिलेगा अगर ये फंक्शंस में आप जा रहे होगे आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से एंटरटेनमेंट इवेंट है लेकिन अगर आप ओके okay, मॉन्यूमेंट्स में जा रहे हो कोई प्रोडेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल है अजंता एलोरा है और ये मॉन्यूमेंट्स देखने जा रहे हो और वहाँ के टिकट चार्जेस वहाँ के टिकट चार्जेस ओके विदाउट लिमिट एग्जाम्शन है या आप जू में जा रहे हो और जैसा म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व जू वगैरह अगर आप इसमें जा रहे हो तो विदाउट लिमिट एग्जम्पन है आई रिपीट विदाउट लिमिट एग्जम्पन है तो व्हाट इज द डिफरेंस अगर आप इस एंटरटेनमेंट इवेंट में जा रहे हो तो पाँच सौ रुपए तक एग्जम्पन है पर आप मॉन्यूमेंट्स में जा रहे हो या म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जू वगैरह में जा रहे हो तो यहाँ पे टिकट हजार रुपये की हो पाँच हजार की हो या दस हजार की हो वो टोटली एग्जम्पन है विदाउट एनी लिमिट इस बार अगर सवाल पूछा जा सकता है तो इस पे पूछा जा सकता है इसलिए इसको स्टार्ट करना सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप लिख सकते हो ओके रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर आर्ट और कल्चर में आप आपको लिखना है तो लिख देना डांस क्लास पेंटिंग क्लास स्कल्पचर क्लासेस ओके कोई आर्ट क्लासेस है पेंटिंग क्लासेस है ओके म्यूरल क्लासेस है कल्चरल क्लासेस है <coughs> तो बेटा देखो तो सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल ये वर्ड जो है इन्होंने 2022 में ऐड किया था ओके बाय एन इंडिविजुअल पहले ऐसा था कि कोई भी ये सर्विस दे आई रिपीट कोई भी ये सर्विस दे एग्जाम था लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाया और वो ये लाया कि अगर आर्ट और कल्चर ओके ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहा है तो तो ही एग्जामिशन मिलेगा इस पॉइंट को थोड़ा समझो इस पॉइंट का थोड़ा समझो यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि लोगों ने जी में टैक्स छुपाने के लिए इसका बहुत यूज किया जैसे ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई वो जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है आर्ट और कल्चर में उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा वगैरह ऐसा होना चाहिए कहीं नहीं ले गया कोई अनपढ़ आदमी भी अगर सर्विस देगा तो एग्जमट है अब लोगों के पास जो ब्लैक मनी था वो ब्लैक मनी इन्होंने इस नाम से वाइट किया कि घर में वाइफ डांस क्लासेस ले रही है पेंटिंग क्लासेस ले रही है क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी जरूरी है वो स्किल है टैलेंट है वो वैसे ही ले रही है ओके तो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड क्लासेस ले रही है वाइफ है ब्रदर है सिस्टर है और सबके नाम पे ओके 25 लाख 30 लाख का पैसा ले लिया ओके okay, सब एग्जाम था और टैक्स इवेजन जो मतलब सबके नाम पे कैश ब्लैक की वाइट कर दिया टैक्स प्लानिंग कर ली तो ऐसे जब गवर्नमेंट को ये पता चला कि यार लोग ये आर्ट और कल्चर के नाम से पैसा ले रहे हैं और ये जो पैसा ले रहे हैं इवन कंपनी बना के पार्टनरशिप फर्म बना के ये पैसा ले रहे हैं तो और वो एग्जम्शन में आ रहा है जबकि गवर्नमेंट ने तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं कल्चरल जो ये ट्रेनिंग इंडिया में आर्ट और कल्चर की ट्रेनिंग बढ़नी चाहिए इसलिए एग्जामेशन दिया लेकिन इसका गलत फ़ायदा लिया जा रहा है तो वो केस में गवर्नमेंट के मतलब, मतलब अगर कोई कंपनी होगी जो आर्ट और कल्चर में सर्विस दे रही होगी या पार्टनरशिप फॉर्म होगा जो आर्ट और कल्चर में सर्विस दे रही होगी तो उनको यहां पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा दिस एग्जम्पन रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल दूसरा ट्रेनिंग कोचिंग बाय ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज स्पोर्ट बाय अ चैरिटेबल एंटिटी अगर स्पोर्ट सर्विस यानी स्पोर्ट में ट्रेनिंग ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस होगी तो ये एग्जामेशन तभी मिलेगा अगर वो चैरिटेबल एंटिटी होगी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देखो दो क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग कोचिंग जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में दिया जा रहा है और वह रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट और कल्चर होगा तो वो सिचुएशन में इंडिविजुअल देगा तो एग्जाम यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं यहां पे इंडिविजुअल और इंडिविजुअल दिया तो एग्जाम बी क्लॉज में अगर स्पोर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है तो एग्जामेशन तभी मिलेगा अगर ये चैरिटेबल एंटिटी ने दिया और रजिस्टर अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो तो चलिए यह हमने देखा एंटरटेनमेंट सेक्टर इसमें बहुत सारे एग्जाम्शन मैंने कवर कर लिए एक चार्ट में बहुत सारे से हमारे कवर हो गए ये समझ में आया क्या ये समझ में आया तो ई e टाइप कीजिएगा एंटरटेनमेंट सेक्टर का और जितने भी स्टूडेंट है सबने यहां पे टाइप करो और अच्छा लगा तो लाइक करो ओके ई टाइप करो और अच्छा लगा तो लाइक करो नाउ नेक्स्ट एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस ठीक है एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ क्या टोल चार्जेस जो आपको टोल चार्जेस लगते हैं टू एक्सेस द रोड और ब्रिज जैसे कोई एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं और आपको जो टोल चार्जेस लगते हैं तो वो टोल चार्जेस इज अ सर्विस प्लस उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा या फिर एक्सेस टू तो रोड और ब्रिज का एन्यूटी पेमेंट किया ये एन्यूटी मतलब एनुअल टोल चार्जेस दी है एक आप हर ट्रिप पे टोल चार्जेस देते हो वो भी एग्जम्प्ट है और आप एनुअल ट्रिप के टोल चार्जेस दे रहे हो तो वो भी एक्जन में है ठीक है इट इज ऑल्सो दैट एंट्री ट्वेंटी थ्री ए डज नॉट एग्जाम जीएसटी ऑन द एन पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड देखो ये जो एन को एग्जाम्शन दिया ये एक्सेस टू रोड दिया गया है ये annuity को जो exemption दिया गया ये एक्सेस टू रोड को दिया गया अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का एन्यूटी होगा तो उसको एक्जन नहीं है ठीक है एक्सेस टू रोड को एग्जाम्शन दिया गया है उसके बाद में सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया तो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय ओके प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मतलब फॉरेन एम्बेसीज है जैसे यूएस एम्बेसी है यूएन यूएस कॉन्सुलेट है ओके okay, और जितने भी फॉरेन एम्बेसी जिसे हम राजदूत कहते हैं वो जो सर्विसेज इंडिया में देंगे वो सर्विसेज यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो वो सब एग्जाम रहेगी पर अब आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूँ पहले आरबीआई की सर्विस वगैरह सब एग्जाम थी अब वो सब निकाल लिए गए हैं ठीक है तो ये जो है हमने फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया ये हमने देखा तो यहां तक के हमें प्रोवाइडेड टू गवेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी चलो इसको देखते हैं पहला देखो सर्विस एग्जम्पन क्या है सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल ऑथोरिटी ओके एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है आई रिपीट आई रिपीट गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो यूनियन टेरिटरी हो या लोकल ऑथोरिटी हो ये सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग लेकिन गवर्नमेंट की चार सर्विसेस टैक्सेबल रहेगी कौन सी चार सर्विसेस टैक्सेबल रहेगी पहला सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब देखो यहां पे 2022 में क्या चेंज आया पहले क्या था पहले जो है यहां पे सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस ओके स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस ओके और एजेंसी सर्विस ये चार ही टैक्सेबल थी अब उन्होंने वो सब हटा दिया और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज देगा तो वो टैक्सेबल रहेगा ओके आई रिपीट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज देगा तो वो टैक्सेबल रहेगा लेकिन साथ साथ में और एक एग्जाम्स लाया और वो कौन सा एग्जाम्स लाया सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक एंट्री इंट्रोड्यूस की सीरियल नंबर ट्वेंटी सी और सीरियल नंबर ट्वेंटी फोर सी में वो एंट्री उन्होंने इंट्रोड्यूस करके ये बताया कि सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ सॉरी एक, एक मिनट बेटा ओके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया एक मिनट देख, फिर से एक बार लेता हूं जो भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी या लोकल ऑथॉरिटी देगी वो सारी सर्विसेज एग्जम रहेगी एक्सेप्ट फॉर ए एक, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विस देगी वो टैक्सेबल पर उसके साथ साथ और एक एग्जाम एक लाया जो हमें पढ़ना जरूरी है सीरियल नंबर ट्वेंटी फोर सी में कहता है सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जहां का वेट लेस देन टेन ग्राम है वो एग्जाम मतलब, की सारी सर्विस टैक्सेबल है लेकिन दूसरे एंट्री में कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पोस्ट कार्ड सर्विस जो बहुत बेसिक सर्विस है इनलैंड लेटर बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें वेट 10 ग्राम से नीचे है ये एग्जाम रहेगी मतलब क्या हिंदी में लिखो हिंदी में लिखो यहां पे कि इसके अलावा यानी ये जो सर्विस है इसके अलावा ऑल अदर सर्विसेस ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल ऐसा लिखो ओके इसके अलावा ऑल अदर सर्विसेस ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल नाउ ओके पहले सिर्फ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट ही टैक्सेबल थी अब ऐसा नहीं है अब ये चार बेसिक सर्विस के अलावा कोई भी सर्विसेस ओके पोस्ट देता है तो नाउ इट इज टैक्सेबल डन चलो इसके okay, तो इसके ओके तो अलावा बाकी सारी सर्विसेज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देगा वो टैक्सेबल दूसरा अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दिया इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल और और आउटसाइड द ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट यानी अगर गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी पोर्ट या एयरपोर्ट पे कोई सर्विसेज देता है तो वो एग्जाम रहेगा तीसरा गवर्नमेंट ने अगर गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा ओके सॉरी सेकेंड केस में पोर्ट और एयरपोर्ट पे सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा क्योंकि हम एक्सेप्शन देख रहे हैं नाउ थर्ड अगर गवर्नमेंट की गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वो टैक्सेबल रहेगी सब्जेक्ट टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एग्जाम अब देखो इसको कैसे पढ़ना गवर्नमेंट कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा इवन दो वो गवर्नमेंट है या लोकल ऑथॉरिटी वो टैक्सेबल रहेगा बट ओके आपको साथ साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ख्याल रखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर ओके गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को एसी क्लास और फर्स्ट क्लास ही टैक्सेबल है बाकी है तो फिर आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा मतलब क्या मतलब यह कि इस एंट्री में बोला कि ओके गवर्नमेंट गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है तो वो टैक्सेबल रहेगा पर इसके साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एग्जामेशन भी देखना पड़ेगा अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एग्जामेशन में यह लिखा है कि रेलवे स्लीपर क्लास या फिर ओके जनरल क्लास को एग्जामिशन देगा तो वहां एग्जामेशन रहेगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी मतलब क्या ए टू सी छोड़ के ए बी और सी ये ए टू सी छोड़ के कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दिया आई रिपीट अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा ओके वो टैक्सेबल रहेगा इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है थोड़ा अगर आप लॉजिकली जाते हो और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो हमने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था ओके okay, अगर आप लॉजिकली जाते हो तो आपको बताता हूं यहां क्या कहते हैं कोई भी सर्विस एनी सर्विस बिजनेस एंटिटी को अगर दिया बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल होगा मतलब क्या ओके okay, मतलब मेरे को मैसेज क्या आया कि फिर शायद ये एग्जाम्शन शायद क्या कंफर्म ये एग्जाम्शन अगर गवर्नमेंट देता है और वो पब्लिक को देता है तो उसको एग्जाम्शन है क्यों क्योंकि बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल करवा दिया इसका मतलब ये जो पहले लाइन में एग्जाम्शन दिया ये एग्जामेशन वो एग्जाम्शन है अगर गवर्नमेंट या लोकल ऑथॉरिटी पब्लिक सर्विसेज देती है फॉर तो उसको है ठीक है तो ये उसको दूसरा ओके ये जो पोस्ट की सर्विस वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विस या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ये सर्विस अगर देते हो तो टैक्सेबल है तो मैं ये इंटरप्रिटेशन इस पर ले सकता हूं कि यहां पे कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी ये तीनों के अलावा कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी तो टैक्सेबल होगा ये तीन सर्विस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये सर्विस किसी को भी दिया किसी को भी दिया मतलब पब्लिक को दिया होगा या बिजनेस एंटिटी को दिया होगा ये किसी को भी दिया तो भी टैक्सेबल जैसे पोस्ट की सर्विस स्पीड पोस्ट सर्विस एक छोटा बच्चा भी स्पीड पोस्ट करवा होगा तो टैक्सेबल या फिर ओके यहां पे कोई कंपनी का स्पीड पोस्ट है तो भी टैक्सेबल तो पहली सर्विस दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस किसी को भी दिया पब्लिक को दिया हो या बिजनेस को दिया हो तो टैक्सेबल तो ओके ये तीन सर्विस और यहां पे बाकी गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेस एग्जाम होगी या एक बार फिर से एक बार फिर से गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस एग्जाम अगर एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी को दिया होगा तो अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज भी है और आपको अगर रिवर्स चार्ज का चार्ट याद होगा तो ये तीन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विसेज़ और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ये केस में टैक्सेबल आती है और फॉरवर्ड चार्ज में आती है और ये चार छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जाम रहेगी उसके बाद में यहां पे और कुछ एग्जाम्शन टर्न और, और वैल्यू बेस एग्जम्शन ओके यहां पे ये देखो क्या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी टू बिजनेस एंटिटी अब आपने देखा कि बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो केस में टैक्सिबिलिटी आती है और वो केस में तो रिवर्स चार्ज भी आता है लेकिन बिजनेस एंटिटी के लिए और एक एग्जाम्पन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गोकल ऑथोरिटी टू बिजनेस एंटिटी वेर एग्रीगेट टर्न और लेस देन सच अमाउंट इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वो लीगल सर्विस जैसा अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया पर वो बिजनेस एंटिटी छोटा आदमी है क्यों छोटा आदमी है क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्न और इन फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड से नीचे है तो ऐसे केस में सर्विस एग्जाम रहेगी और रिवर चार्ज में टैक्स नहीं आएगा ओके ये एग्जामेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्प एक बार फिर से अगर गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी ने ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्न और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो करंट ईयर में जो भी उसने सर्विस लिया होगा गवर्नमेंट से एग्जाम लेकिन ये एग्जाम यहाँ पे कहा अप्लीकेबल नहीं है सर्विस प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज ए टू सी मतलब क्या लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होगी तो वो किसी को भी दो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है अगर वेसल और एक की सर्विस होगी किसी को भी दो छोटे बच्चे को भी दो तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर जैसे एसी क्लास में जो जा रहा है बच्चा जा रहा है या कोई भी जा रहा है तो ये टैक्सेबल है ओके ओके तो ये जो है ओके, वो है वो ए टू सी में नहीं इसका मतलब क्या मतलब ए टू सी तक की सर्विसेज अगर ऐसे कोई छोटे बिजनेस एंटिटी को भी दिया जा रहा होगा जिसका टर्न ओवर थ्रेश के नीचे होगा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो भी यह टैक्सेबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा दूसरा रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी याद करो वो चार्ट रिवर चार्ज वाला रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो फॉरवर्ड चार्ज और बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज मतलब रेंटिंग ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी पे जीएस ओके वहां पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा ये किसी को भी दो तो भी जीएसटी आएगा दूसरा दूसरा सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी वे ग्रॉस अमाउंट चार्ज जीएससी मतलब ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर इनवॉइस does not ड नॉट एक्सीड रूपीज फाइव थाउजेंड इन केस वेर कंटिन्यूसर्विस द लिमिट इज फाइव थाउजेंड इन मतलब क्या मतलब अगर government services दे रहा है किसी को भी दे रहा होगा अगर बिल अमाउंट पांच हजार या उससे कम होगा आई रिपीट बिल अमाउंट पांच हजार या उससे कम होगा तो उसको exemption दिया जाएगा ड डेट ये एग्जाम्पन नॉट एप्लीकेबल है okay, अगर वो A to C में आता होगा, जैसे पोस्ट की सर्विस होगी स्पीड पोस्ट सर्विस होगी तो वो पचास रुपए का भी बिल होगा तो भी जीएसटी आएगा यह दो एग्जाम्शन फिर से समझ लो दोनों को यहाँ पे स्टार्ट करना एग्जाम के हिसाब से गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है पर प्रोटेक्शन दिया गया छोटे बिजनेस एंटिटी को छोटे बिजनेस एंटिटी कहां से पता चलेगी अगर एग्रीगेटन और प्रोसेडिंग फिनेंशियल ईयर में यहां पे थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो बिजनेस एंटिटी छोटी बिजनेस एंटिटी मानी जाएगी और उसको अगर सर्विसेज दिया तो वो सिचुएशन में यहां पे गवर्नमेंट की सर्विस एग्जम रहेगी और रिवर चार्ज में टैक्स नहीं आएगा लेकिन ये एग्जाम्शन के दो केसेस में अप्लीकेबल नहीं है अगर गवर्नमेंट की सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होगी बी क्लॉस की होगी सी क्लॉस की होगी तो वो किसी को भी दिया तो भी टैक्सेबल है

पे सेवन टाइप करो समझा होगा तो सेवन टाइप करो चलो फटाफट दूसरे एग्जामिशन जो गवर्नमेंट सेक्टर के है। ओके ये पे रजिस्ट्रेशन बेस्ड एग्जामिशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट ड्राइविंग वीजा ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ये जो बेसिक सर्विसेज देती है पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट ओके ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंट देती है तो उसको एग्जम्शन मिलेगा ठीक है उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ आई रिपीट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ मतलब कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है उसकी फीस या पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है उसकी फीस तो कोई भी एक्ट में जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लेती है वो एग्जाम रहेगी ओके okay, गवर्नमेंट की सर्विस लाइक टेस्टिंग कैलिब्रेशन सेफ्टी सेफ्टी चेक फॉर प्रोटेक्शन और ऑफ वर्कर कंज्यूमर पब्लिक एट लार्ज ओके गवर्नमेंट की टेस्टिंग सर्विस कैलिब्रेशन सर्विस ओके सेफ्टी ऑफ वर्कर कंज्यूमर पब्लिक एट लार्ज ये सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्ज़म्प्ट रहेगी उसके बाद में ओके okay, यहां देखो अदर सर्विसेज जैसे

consideration in the form of grant of grant to another okay government or local authority uh, received from the government or local authority okay service provided by government entity against the grant okay jo government entity ko grant milti hai उसके agar services hogi to wo bhi exempt rahegi उसके बाद में old age home okay ये इतना important नहीं है ये आपने priority C में रखा तो भी चलेगा old age home rudrashram अगर ये rudrashram government चला रहा है यह चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है और वहां ओके जो लोग रह रहे हैं वो सिक्सटी के अबो है यानी ओल्ड एज होम होगा और वहां पे सिक्सटी के अबो लोग रह रहे होंगे और ये गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही है जिसमें पर मंथ पैसा पच्चीस हजार तक लिया जा रहा है तो वो एग्जाम रहेगा ओके और ये ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंक्लूडिंग बोर्डिंग लॉजिंग एक्सेट्रा चार्जेस तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू गवर्नमेंट रिलेटेड ये यहां तक समझ में आया जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं जो एग्जाम्शन ओके ठीक है आपने पढ़ के जाना चाहिए तो वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में, कुछ और एग्जाम्शन है ये कुछ और एग्जाम्शन है।, है हो सकता है आपके चार्ट में यहां दिए हो या हो सकता है आपके चार्ट में नीचे अलग से दिए हो वो आपने देख लेना ओके सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ये जो एग्जाम्शन है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी टू अनादर गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्ट रहेगा दूसरा फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सी बार गवर्नमेंट लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाती है तो गवर्नमेंट जो यहाँ फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी एग्जाम रहेगा उसके बाद में मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंपोर्ट कंटेनर बाय कस्टम ऑफिसर कस्टम ऑफिसर कोई मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस लगा रहा है तो वो एग्जाम या राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर कोई सर्विस देगी तो वो भी एग्जाम रहेगी शायद आपके चार्ट में यहां पे भी दिया होगा या शायद मैंने नीचे भी दिया होगा देख लेना ठीक है तो इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज हमने यहां पे देखी बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो यहां पे एग्जाम है चलिए ठीक है नाउ नेक्स्ट आ जाइए सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट ओके सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अभी हम देख रहे थे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अब ये जो है सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट को किसी ने सर्विस दिया तो इसमें ओके बाकी आप रीड करोगे सिर्फ मैं फोर्थ वाला पॉइंट रीड करूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ओके okay, मैं फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ रीड करूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट वेयर फॉर वी सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट समझ लो मैं गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ जीएसटी के जीएसटी डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ तो मैं जो सर्विस यहाँ पे गवर्नमेंट को दे रहा हूं और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ गवर्नमेंट जिसमें पचहत्तर परसेंट या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है मतलब जो मेरा पैसा आ रहा है मिनिमम सेवेंटी फाइव परसेंट पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट को देगा जहां कॉस्ट फिर सेवेंटी फाइव परसेंट या उससे ज्यादा गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो वो केस में वो सर्विस टोटली एग्जाम रहेगी उसके बाद में बेटा स्पोर्ट सेक्टर में मैं पहला वाला एंट्री लूंगा यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकोगगनाइज स्पोर्ट बॉडी बाय इंडिविजुअल एज अ प्लेयर कोई भी प्लेयर अपने स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दे रहा है रेफरी अंपायर कोच टीम मैनेजर ये लिस्ट लर्न करना ये लिस्ट लर्न करना ओके जितना इसमें दिया उसको ही है तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल प्लेयर रेफरी अंपायर कोच टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ओके बायोगनाइज स्पोर्ट बॉडी तो वो केस में यहां पे एग्जामेशन रहेगा या एक रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी दूसरे रिकोग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विसेज दे रहा है तो वो केस में एग्जम्पन रहेगा फिर से कह दूं मैं यहाँ पे ओके प्लेयर रेफरी अंपायर कोच या टीम मैनेजर को एग्जाम्पन दिया है समझ लो रिकोगनाइज स्पोर्ट बॉडी है और ओके मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है फेडरेशन है वगैरह ओके वो रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी मानी जाती है और समझ लो कोई कमेंटेटर है कमेंटेटर ने सर्विस दिया तो नहीं वो एग्जामिशन में नहीं आता है लिस्ट में नहीं है सिलेक्टर ने सर्विस दिया वो एग्जामिशन में नहीं आता है इस लिस्ट में नहीं है ओके रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी में अगर प्लेयर रेफरी एम्पायर कोच और टीम मैनेजर दे रहा है तो यहाँ पे एग्जामेशन होगा बाकी एग्जाम्शन तो यहाँ पे दिए है या आपने रीड कर लेना बेटा यहाँ ठीक है जो जो इंपॉर्टेंट हो गया अब मैं वही कवर करूंगा बाकी मैंने कुछ एग्जामेशन के तो टाइटल्स ही दिए जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है यहां पे। पर मैं सेफर साइड चलूंगा आपको अगर बाकी एग्जामेशन पढ़ने तो आपके रेगुलर नोट्स आप पढ़िएगा सॉरी 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 अब मैं एक एग्जाम्शन जो यहां पर आरडब्ल्यू ए मेंबर से रिलेटेड है ठीक है थोड़ा ये एग्जाम्पन लेना चाहूंगा केयरफुली पढ़ना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सर्विस बाय अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और सर्विस बाय अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड एक मिनट हाँ एक मिनट अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी अगर ये सर्विसेस कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी होगा बीओआई होगा और अगर ये सर्विसेस अपने मेंबर को दे रहे कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी अपने मेंबर को सर्विसेस दे रहे हैं एज पर सेक्शन सेवन वन ए ए इंडिविजुअल छोड़ के बाकी कोई भी बॉडी होगी फिर वो ज्वाइंट वेंचर हो एसोसिएशन हो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो क्लब हो सोसाइटी हो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और वो अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है तो वो सप्लाई है वो सप्लाई माना जाएगा तो अगर ये अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर को सर्विसेज दे रही है बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अब ये रिमबर्समेंट ऑफ चार्जेस क्या होता है जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है मंथली कॉमन एक्सपेंसेस है ओके कोई ऑटो एसोसिएशन है कोई कैब एसोसिएशन है अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी है और वो ऑटो एसोसिएशन में सारे उसके ऑटो वाले मेंबर्स है ओके कोई क्लब है ओके यहाँ पे और उसके मेंबर है तो कॉमन जो खर्चा होता है सभी मेंबर बॉडी को मेंटेन करने के लिए हाउसिंग सोसाइटी है कॉमन जो खर्चा होता है बेटा तो ये कॉमन खर्चे के लिए मंथली uh, चार्जेस होते हैं जिसको रिमबर्समेंट एक्सपेंसेस कहा जाता है जैसे अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हो ओके okay, जैसे आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हो तो वो हाउसिंग सोसाइटी में यहां पे जो मंथली चार्जेस है सुनो जो मंथली चार्जेस आपसे लिए जाते हैं ये मंथली चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस क्यों लिए जाते जो कॉमन खर्चा हुआ उसका रिमबर्समेंट या शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे लिया जा रहा है तो वो केस में यहां पे एग्जामेशन दिया है इसमें मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अगर आरडब्ल्यू ए या हाउसिंग सोसाइटी होगी तो वो केस में मंथली पर एग्जामेशन पर है पर मंथ पर मेंबर ठीक है फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर जो मंथली कॉमन खर्चे होते हैं गुड्स खरीदने खरीदने के के सर्विस तो उसके जो मंथली में सोसाइटी के सात हजार पांच सौ पर मंथ पर मेंबर तक एग्जाम है लेकिन अगर आपके ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस सात हजार पांच सौ के ऊपर हो गए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है आई रिपीट सात हजार पांच सौ के ऊपर हो गए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है

एसओ एस और एसओजी okay, को ग्रेटर कोई सोसाइटी होगा सॉरी एग्रीगेटर बीस लाख के ऊपर होगा ओके क्योंकि बीस लाख से नीचे होगा तो फिर तो वो थ्रेश में ही है अगर वो थ्रेश में है, तो फिर तो जीएसटी नहीं आता है अगर उनका एग्रीगेट टर्न और बीस लाख के ऊपर होगा और यहाँ पे

समझ लो कोई सोसाइटी में मेरे दूसरे अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस दे, भी दे तो मुझे दोनों का मिला केंड्रेड देना पड़ेगा ओके या फिर अपार्टमेंट तो, को इंडिव्य मिलेगा तो फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आपको एग्जामेशन मिलेगा and now next if amount exceeds 7500 then gst shall be payable on entire amount अगर आपका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 के ऊपर है समझ लो 9000 पर मंथ पर मेंबर है तो फिर टोटल 9000 थाउजेंड इज टैक्सेबल तो ये था रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी बेटा नाउ टूर ऑपरेटर सर्विस अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये टूर ऑपरेटर सर्विस आपने ओके okay, साथ साथ में अमेंडमेंट देखना है और ओके okay, टूर ऑपरेटर सर्विस जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है ओके okay, इसके लिए ओके okay, लिख दो आप रेफर अमेंडमेंट बहुत अच्छे से मैंने समझाया और अमेंडमेंट जरूर देखना पर मैं यहां पे चार्ट में आपको समझा देता हूँ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया सप्लाइड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट द टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म आउटसाइड द इंडिया ओके वो एग्जाम रहेगा देखो अगर कोई इंडियन टूर ऑपरेटर है और वो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है कुछ इंडिया में और कुछ इंडिया के बाहर तो इंडियन टूर ऑपरेटर जो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया तो वो केस में जितना इंडिया के बाहर सर्विस दिया है वो एग्जम्ड रहेगा पर इसके कैलकुलेश्स ओके यहाँ पे कैसे हो गए क्या होगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट जरूर देखिएगा एग्जाम्शन का हेलो बेटा आवाज़ आ रहा है क्या रीज़न है स्टॉप हो गया आवाज़ आ रहा है बेटा हेलो आवाज़ आ रहा है कुछ रीज़न की वजह से शायद स्टॉप हो गया था इन बिटवीन अब बेटा यहां पे आईजीएसटी एक्ट के कुछ एग्जाम्पन है जिसमें एक एग्जाम्स मैं यहां पे आपको पढ़ा देता हूं अगर आपने सर्विस बाहर से ली यानी सर्विस रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी सर्विस प्रोवाइडेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और लेने वाला गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी है लोकल ऑथोरिटी है गवर्नमेंटल ऑथोरिटी है या कोई इंडिविजुअल है इन रिलेशन टू एनी पर्प अदर देस इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन ओके एनी अदर प्रोफेशन तो अगर बाहर वाले से कोई भी सर्विस गवर्नमेंट लेती है गवर्नमेंटल ऑथोरिटी लेती है इंडिविजुअल ले रहा है और इंडिव्यूजल जो सर्विस ले रहा है बाहर वाले से ओके okay, क्यों ना वो इंपोर्ट सर्विस हो क्यों ना वो सप्लाई हो सप्लाई के डेफिनेशन में इंपोर्ट सर्विस आता है क्यों ना वो सप्लाय हो लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है पर्सनल पर्पज के लिए ले है, तो exempt है. बाहर वाले से सर्विस अगर एंटिटी जो सेक्शन ट्वेल्व ए या बी यहाँगा ट्वेल्व ए इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है वो सर्विस ले रही है या पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वो सर्विस ले रहा है ओके okay, तो अगर यानी बाहर के बाहर सर्विस ली जा रही है तो ये सर्विस इंडिया का गवर्नमेंट इंडिविजुअल ले रहा है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ले रही है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई बंदा है सर्विस इंडिया में पर प्रोवाइडर भी बाहर है रिसिपियंट भी बाहर है तो ये सारी सर्विस एग्जाम रहेगी लेकिन इसमें OIDAR सर्विस नहीं रहेगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल बाहर से इंडिया में आ रहा होगा ओके तो ये एग्जाम नहीं रहेगा बाकी सारी सर्विस एग्जाम रहेगी ओके तो ये मैंने पढ़ाया था बाकी जो आई जी एस टी एक्ट की अदर सर्विसेस है ये आप रीड कर लेना ये एग्जामिशन आपने रीड कर लेना तो चलिए दोस्तों हमने एग्जामिशन के सारा यहाँ पे कवर कर लिया है ये ओके okay, यहाँ पे तीन चार पेजेस में मैंने सारे एग्जामेशन अराउंड मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो कवर कर ही लिए है ओके okay, और बाकी तो मैंने दो दो एक एक लाइन में भी कवर कर लिया है बेटा बस ओके okay, ये क्वेश्चन है दैट ना पढ़ के चले जाना आगे सर ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू